प्लास्टिक फ्लो। दोस्तों प्लास्टिक फ्लो हमारा क्या होता है, ठीक है? तो प्लास्टिक फ्लो की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक रियोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें इन विच फ्लोइंग बिहेवियर ऑफ मटीरियल अकर्स आफ्टर द अप्लाइड स्ट्रेस रीचेस अ क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, कि जो भी हमारा मटीरियल होगा वो हमारा जब ही फ्लो करेगा जब अप्लाइड जो हमारा स्ट्रेस होगा वो एक क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको हम ग्राफ में समझते हैं, इसको हम रियोग्राम पे समझते हैं। देखो जो हमारा रियोग्राम बनता है वो शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में बनेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम शेयरिंग स्ट्रेस को इनक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट है हमारा, इसको ही हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट तक तो जो मटीरियल है वो इलास्टिक नेचर शो करेगा, ठीक है, फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद हमारा जो मटीरियल होगा वो फ्लो करेगा। ठीक है, हमारा मटेरियल फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, हमारा जो सब्सटेंस होगा वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, यील्ड वैल्यू। ठीक, यही पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा शेयरिंग स्ट्रेस वाली लाइन पे, ठीक है, हमारी एक्स एक्सिस पे, और इससे निकल जाएगा हमारा यील्ड वैल्यू। ठीक है, यील्ड वैल्यू को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा इस पर ग्राफ बनता है, ठीक है, इसको हम बिंगम बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, बिंगम बॉडीज साइंटिस्ट के नाम के पीछे है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा है नाम बिंगम। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमें प्लास्टिक फ्लो में और क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो देखो हमें प्लास्टिक फ्लो में एक ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो प्लास्टिक फ्लो का कर्व होता है, ठीक है, ये पास नहीं करता है थ्रू ओरिजिन। ठीक है, प्लास्टिक फ्लो कर्व डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ये जो हमारा कर्व होगा ये स्टार्ट नहीं होगा ओरिजिन से, ठीक है, ये पहले से ही किसी एक वैल्यू पे स्टार्ट होता है। ठीक, दूसरा, सब्सटेंस एक्ट एज इलास्टिक बिलो द यील्ड वैल्यू। ठीक है, इस यील्ड वैल्यू से नीचे ये जो सब्सटेंस होगा हमारा इलास्टिक नेचर शो करेगा, इससे नीचे इलास्टिक नेचर शो करेगा और उससे ऊपर प्लास्टिक नेचर। ठीक, तो अब जो सब्सटेंस होगा उसकी कोई विस्कोसिटी भी होगी, उसी विस्कोसिटी को हम प्लास्टिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक विस्कोसिटी डिनोट की जाती है यू से, कैपिटल यू से। वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन जी। अब ये क्या क्या है हमारे, देखो जो कैपिटल एफ है वो तो है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस। स्मॉल एफ क्या है, यील्ड वैल्यू। तो शेयरिंग स्ट्रेस माइनस यील्ड वैल्यू, शेयरिंग स्ट्रेस माइनस यील्ड वैल्यू, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेट ऑफ शेयर है जो इस साइड दिया हुआ है, रेट ऑफ शेयर। ठीक है, तो प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या होगी, ये होगी हमारी शेयरिंग स्ट्रेस माइनस यील्ड वैल्यू अपॉन रेट ऑफ शेयर। ठीक, और जो इसकी स्लोप होगी, ये जो स्लोप है इसकी, इस ग्राफ में जो ये स्लोप है, ये क्या देती है हमारी, मोबिलिटी। ये हमारी क्या देती है, मोबिलिटी। जो स्लोप होगी वो हमारी मोबिलिटी देगी। ठीक है, जो स्लोप होगी वो हमारी मोबिलिटी देगी, और मोबिलिटी क्या होती है, वो होती है 1/ प्लास्टिक विस्कोसिटी, जो ऊपर हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, उसको उल्टा कर देंगे वो हमारी मोबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/ यू स्लोप। ठीक है, तो जो स्लोप होती है ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी मोबिलिटी देती है, फॉर्मूला है इसका 1/u। ठीक है, तो ये थी बात हमारी प्लास्टिक विस्कोसिटी की।